मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। और वो मेरी कल शाम की क्लिप थी, कल बुआ आई थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि खाने में लग गई थी, टाइम ज्यादा हो रहा था ना, शाम का टाइम था तो रात को गए थे बुआ, तो मैंने खाना वाना बनाया, उस बीच में फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी सुबह मैंने वीडियो दोबारा ऑन की है। तो ये वाले कपड़े मैं निकाल के रख रही हूँ, गुड्डू ने ये सारे निकाल के फेंक दिए कि मम्मी सब छोटे हो गए, नई नई पैंटे थी इसकी जो छोटी हो गई और शर्ट भी है साथ में, तो ये एक थैले में अलग करके रख दूंगी और ये सारे कपड़े इसके छोटे हो गए, बहुत जल्दी कपड़े छोटे होते हैं बच्चों के, तो बस ये मैंने सारे थैले में एक जगह करके रख दिए। गुड्डू की टी शर्ट दिलानी है मुझे क्योंकि सारी छोटी हो गई तो उसने निकाल दी, और पैंटे भी इसकी छोटी हो गई तो सारे कपड़े एकदम निकाल दिए ना, तो इसके पास बस तीन चार ही बचे हैं। इसके साथ ऐसे ही होता है, जब छोटे होंगे ना तो सारे कपड़े एक साथ छोटे होंगे, तो ये मैंने एक थैले में भर के रख दिए और दिलाने पड़ेंगे उसके। और ये निकाल रखा था माइक्रोवेव, इन्होंने सुबह चावल गर्म करे थे, रात के मेरी जो मैंने पुलाव बनाई थी ना तो वो बच गई थी, तो फिर इन्होंने गर्म की ना, तो वो सारा सिस्टम यहाँ से हटाना पड़ता है जब जाके कहीं गर्म होते हैं। मैं सोच रही हूँ इसका माइक्रोवेव का ना ऊपर वो लगवा लूँ स्टैंड और उस पर रख लूँ, उससे थोड़ी सा ये हो जाएगा कि एक जगह रखे रखे हम गर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इसमें कोई चीज गर्म करनी होती है ना तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले इसके ऊपर से सामान हटाओ और फिर इसे आगे की तरफ निकालो, और वायर भी इसकी लंबी जाती है, कई बार तो मैं खाना बनाती रहती हूँ ना तो मेरे पैरों में ही लगी रहती है, और ये मुझे कहते हैं कि ध्यान से आना, कहीं इस तरफ आओ तो पैर में ना अटक जाए, तो ये वाली परेशानी हमारे साथ रहती है, इसलिए हम इसे ज्यादा यूज भी नहीं कर पाते। ये मैंने दोबारा से सेट करके रख दिया क्योंकि फिर फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता। मैंने इस पे कपड़ा ढक दिया, कपड़ा ढक के रखती हूँ मैं क्योंकि कोई भी धूल मिट्टी वगैरह इसके अंदर ना जाए, डस्ट जमती रहती है ना खुला एकदम बाहर से तो बहुत ज्यादा जमती है। ये थैला था तो ये भी मैंने फोल्ड करके रख दिया, ये नया है अच्छा काम आ जाएगा तो इसे क्यों फेंकूं। और ये ट्रे खाली हो गई थी तो ये मैंने दोनों निकाल दी। माइक्रोवेव हटा हुआ था ना तो मैंने पहले झाड़ू लगा के अच्छे से, और जो ओने कोने थे वो साफ कर दिए, दीवार पे भी झाड़ू लगा के तब अच्छे से इसे सेट किया, क्योंकि ये निकला हुआ था ना तो अच्छे से सफाई हो गई। वैसे तो मैं रोज हटा के सामान तभी झाड़ू लगाती हूँ, तो बस किचन में भी झाड़ू लगाऊंगी और दोनों कमरों में भी लगानी है अभी तो। और बाहर ना वो लेंटर डाल रहे हैं, बराबर में मकान बन रहा है तो उन्होंने जब लेंटर डाला ना तो इस साइड में इतनी वो आके गिरा, क्या बोलते हैं इसे, डस्ट मसाला जो भी है वो सारा नीचे गिर गया। अब ये सारा मुझे समेटना पड़ेगा और इससे है ना बहुत पैरों में लग लग के रेत मिट्टी फिर अंदर जाएगी। अखबार भी बिछा दिया था इन्होंने दोनों जगह, इस वजह से फिर थोड़ा कम गिरा, पर फिर भी ये है कि छिटक छिटक के साइड में आ गया, तो वो सारा मैं पेपर पे इकट्ठा कर लूंगी। और ये सारा मैंने ना मसाला इकट्ठा करके उस साइड में ही डाल दिया था क्योंकि इसमें वजन भी होता ना, तो मैंने ये इस साइड में ही डाल दिया जहाँ पे मकान बन रहा है। और मैंने डस्टबिन में नहीं डाला क्योंकि डस्टबिन में फिर ज्यादा वजन हो जाता और उसे तो फिर मैं ही लेके जाती हूँ डालने के लिए, बाहर डाल के आना पड़ता है क्योंकि कोविड की वजह से अभी कोई भी कूड़े वाला इस साइड में भैया नहीं लगे हुए ना, तो अपना काम अब तो खुद ही करना पड़ता है। काम तो मैं सारा ही अपने आप करती हूँ, घर का जो भी है मेरा, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ अपने आप से ही करती हूँ मैं। पर यह था कि पहले जो भी कूड़े वाले भैया आते थे ना वो ले जाते थे, अब यहाँ पे जब से आई हूँ ना तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ से मतलब बाहर लेके जाना पड़ता है थैली और खत्ते पे डाल के आनी पड़ती है। अभी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये घर पे ही रहते हैं ना तो स्कूटी पे चले जाते हैं हम दोनों और फिर डाल के आ जाते हैं। जब भी शाम को जाते हैं तो कूड़े का थैला ले जाते हैं पन्नी में और डाल के आ जाते हैं, और साग सब्जी जो भी हमें लेनी होती है वहां से लेते हुए आ जाते हैं। और मैंने ये दीवार पूरी झाड़ दी अच्छे से, अभी तो और भी गिरेगा यहाँ पे, कोई फायदा तो है नहीं, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से साफ कर दिया। वैसे तो इस साइड में तो इन्होंने लेंटर डाल दिया, वो दूसरी साइड डाल दिया, यहाँ का जितना काम था कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही मैंने यहाँ से सारा हटा के झाड़ू लगाई है। तो बस ये सारा बचा हुआ भी मैं उसी साइड में डाल दूंगी, मैं अपने डस्टबिन में क्यों डालूं, उनका कूड़ा तो उस साइड में ही डाल दूंगी, और वहां पे तो मकान बन रहा ना तो मसाला सारे में भरा पड़ा, तो वो भी इस वजह से मैंने वो भी उसी में ही डाल दिया। ये पेपर था जो इस पे गिरा था तो वो भी मैंने हटा के और उसमें फोल्ड करके डस्टबिन में डाल दिया। और ये जो पंखा इसे साइड में रखूंगी, बाहर रख लेते हैं इसे शाम के टाइम क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं ना तो शाम को हवा अच्छी देता है ठंडी, तो बाहर रख के बैठ जाते हैं।
और सुबह फिर मैं हटा देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर पूरा दिन कुछ भी काम नहीं होता ना बाहर, तो दोपहर रहती है, धूप रहती है, तो उस साइड में रहते ही नहीं है, अंदर रहते हैं पंखे की हवा में। तो बस मैं अब किचन भी साफ करूंगी, और ये ऊपर से साफ करना भूल गई थी मैं, बल्कि किचन में तो मैंने झाड़ू लगा भी दी, और फिर दोबारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो जितना भी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ ना, ये साफ करना भूल गई थी मैं काउंटर टॉप, तो फिर दोबारा नीचे गिर गया सारा कूड़ा। और बर्तन भी मैंने सुबह भी धो दिए, उसके बाद भी दोबारा सिंक में हो गए बर्तन, वो मेरे दो चार हैं, वो मैं बाद में धोऊंगी। और खीरे रखने हैं फ्रिज में, और मटकी में पानी कम है तो इसे भी पानी चला दूंगी, ये भी भरती रहेगी। गुड्डू का काम है ये, अपनी बड़ी मम्मी के घर जा रहा ना, तो मैं ही भर रही हूँ। और मैंने मटकी भरने के लिए छोड़ दी, रोज गुड्डू भरता, आज वो है नहीं ना, बड़ी मम्मी के घर गया अपनी, उसका काम आज मैंने कर दिया और ये भर भी गई। तुम बोल दो इसमें आएगा, मेरे बदले काम कर दो। कई बार फोन आ लिया, चलो गाइस मैं अभी गुड्डू और गुड़िया को दोनों को लेने जाऊंगी, रेखा के घर पे रुके हैं, रात को वहीं पे रुक गए थे वो, और परसों गए थे, दो दिन हो गए, आज ट्यूशन जाना बल्कि लेके आना जरूरी है, तो मैं आज लेके आऊंगी, क्योंकि कल संडे था ना, कल की तो छुट्टी थी उनकी ट्यूशन की। और सुबह से दो बार फोन भी आ लिया, मम्मी मुझे ले जाओ, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, फिर मैंने कहा नाश्ता पानी कर ले, पहले मैं काम निपटा लूं, जब आऊंगी लेने। ये बड़ी बोतल मैंने फ्रिज में से निकाल के रख ली थी, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है, फिर अपने आप ही बाहर रखे रखे। और ये बड़ी बोतल अभी झाड़ू लगाई है, बस जाऊंगी गुड्डू को लेने। इस बीच में एक बार और फोन आ गया उसका कि मम्मी जल्दी आओ, सब काम छोड़ दो और लेने आ जाओ। मैंने कहा बस मैं झाड़ू लगा दूं और फिर झाड़ू लगा के लेने आऊंगी। और बाहर से ना बहुत ज्यादा आवाजें हो रही होगी, पता नहीं इसमें आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बराबर में ना मकान बन रहा, तो वो लैंटर डाल रहे है, तो मशीन नीचे चल रही है, उसकी आवाजें आ रही है, तो कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था, टीवी भी चला रखा था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आवाजें तेज हो रही है, तो दरवाजा बंद करना पड़ रहा है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी, और अब जाऊंगी मैं गुड्डू को लेने, दोनों ही वहीं पे रुके हुए हैं बड़ी मम्मी के घर पे, तो अभी ट्यूशन का भी टाइम होने वाला है उनका, 3:30 बजे जाएंगे वो, तब तक तो मैं लेके भी आ जाऊंगी। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।